सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एड थ्री नंबर एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, तो फ्लो चार्ट। और क्वेश्चन में है सॉल्व क्या करना है, तो एड थ्री नंबर यानी तीन नंबर को जोड़ना है एंड डिस्प्ले देयर एवरेज और उसका एवरेज भी निकालना है। यानी दो क्वेश्चन है इसमें कि एड भी करना है और इसका एवरेज भी निकालना है। तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए इसका सिंबॉल का यूज करते हैं। तो पहला जो है सिंबॉल जो है जिसे हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं वो आपका यहाँ सिंबॉल हो गया, यानी कि स्टार्ट। इसको कनेक्ट करने के लिए एरो लगा है और यहाँ इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स हमेशा तिरछा होता है तो पैरेललोग्राम होता है इसे। अब यहाँ कराए के इनपुट क्या करना है, तो थ्री नंबर को इनपुट करना है। यहाँ इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ इनपुट लिख दे रहे हैं, लिख दिए यहाँ जैसे थ्री नंबर है तो ए बी और सी। आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है आपको जो है डिजिट में नंबर नहीं लिखना है, इसमें आपको वेरिएबल यानी अल्फाबेट में लिखना है, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। जो है जैसे यहाँ जैसा लिखा हुआ ए बी सी, इससे ये पता चलता है कि तीन एनी नंबर किसी भी नंबर को दिखाने के लिए हम यहाँ वेरिएबल यूज कर लिए कि मान लीजिए यहाँ ए है बी है और सी है, तीन नंबर है। आप इसको जो है कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा प्रोसेस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस बॉक्स होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। अब यहाँ आप इसको जो तो जुड़े हुए इसका एक वेरिएबल दे देते हैं जैसे सम, सम में जोड़ने के बाद ये ऐड होगा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर हुआ, ये वेरिएबल सम दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का जो वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा और सी, दो तीनों वैल्यू जोड़ने के बाद ऐड हो गया सम में, यानी सम में तीनों का आंसर है, रिजल्ट है इसमें जोड़ के। अब इसमें आपको एवरेज भी दिखाना है, तो एवरेज को भी हम आपको प्रोसेस बॉक्स में दिखाएंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एवरेज के लिए हम देखिए वेरिएबल जो है ए बी, और यहाँ जो है एवरेज हमेशा जो होता है वो टोटल बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब टोटल जो है वो सम में स्कोर है, टोटल जो है वो सम में है, तो हम लिखेंगे सम डिवाइडेड बाय थ्री, क्योंकि थ्री सब्जेक्ट है तो यहाँ लिख दिए थ्री। यहाँ फिर से देखिए कि यहाँ लिखा था क्वेश्चन में कि एड थ्री नंबर, तो हम थ्री नंबर को एड करने के लिए तीन नंबर लिए ए और बी और सी, तीनों को जोड़ दिए जिसमें उसका वेरिएबल हो गया सम, सम में ये जोड़ के स्टोर हो गया, जो नंबर हुआ जोड़ने के बाद ये वैल्यू सम में स्टोर हो गया। एवरेज निकालना है तो जो टोटल है टोटल बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो टोटल जो है सम है और यहाँ थ्री सब जो है उसका नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट है थ्री, फोर सब्जेक्ट हुआ था फोर। अब ये निकल गया सम निकल गया एवरेज निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे ये आउटपुट डिवाइड, ये हो गया जो है सिंबल हो गया पैरेललोग्राम है, ये भी इनपुट और आउटपुट जो होता है वो सेम सिंबल होता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट और सम को भी दिखाएंगे कॉमा एवरेज को भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए प्रिंट सम और यानी एवरेज, यहाँ लिखा है डिस्प्ले एवरेज, तो एवरेज को भी यहाँ डिस्प्ले किए। अब ये खत्म हो गए, अब यहाँ इसको स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप हो गया। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट यानी डायग्राम बन रहा है, चार्ट बन रहा है इसका, तो नंबर को जोड़ा गया है और फिर उस जुड़े हुए नंबर को हम क्या किए एवरेज निकाल दिए, एवरेज निकल गया। तो यहाँ इसको डिस्प्ले आंसर के लिए यहाँ सम लिखे, यानी सम में टोटल है, एवरेज के लिए यहाँ ये भी लिखा हुआ यानी एवरेज निकल गया और ये पूरा जो है फ्लो चार्ट जो है स्टॉप हो गया। इस तरह से हम ये जो है आपका डिस्प्ले किया।